कैपिटल स्मार्ट सिटी एटीन अक्टूबर 2024 को मेमरान को प्लॉट की सिलेक्शन ऑफर करने जा रहा है वो तमाम मेमरान जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में स्लैब वन में प्लॉट की कीजमेंट सीट हासिल कर रखी है उन मेमरान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि प्लॉट की सिलेक्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे प्लॉट की सिलेक्शन करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी प्लॉट की सिलेक्शन करें तो इंश्योर करें कि आपका प्लॉट ऐसा हो कि कल को आप रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचें तो आपका प्लॉट बहुत ही बेनिफिक साबित हो आपके लिए जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन बहुत सारे मेबान ने में मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है पिछले दस बारह साल में आते हैं प्लाट की सिलेक्शन करते वक्त ये नहीं देखते कि कल को प्लाट कितना बेनिफिशियल साबित होगा उनके लिए लोग सिर्फ ये देखते हैं कि प्लाट एक मिल गया प्लाट हमने इस प्लाट में कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने आपने हंड्रेड परसेंट पे कर दी और आप उकताए होते हैं प्लाट से कि हम मजीद नहीं पे करना चाहते कोई कैटेगरी चार्जेस कोई कॉर्नर कोई पार्क फेस को एक्स्ट्रा लैंड कोई फ्रंट बैक ओपन प्लॉट इस तरह कैटेगरी चार्जेस नहीं पे करना चाहते तो किसी भी नॉर्मल लोकेशन पर अपने आप को राजी कर लेते हैं और उसी

ऐसी प्रॉपर्टीज कि जो चलता फिरता कैश होता है कोई भी इंडिविजुअल अगर मार्केट में आता है रीसेल में प्लॉट लेने के लिए और एक डेड एंड का प्लॉट ऑफर करता हूं एक तरफ जनरल प्लॉट ऑफर करता हूं तो ही चूज फॉर गो फॉर कॉर्नर कॉर्नर या पार्क फेस या मेन रोड का प्लॉट क्यों क्योंकि उसकी प्रेफरेंस घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर कॉर्नर प्लॉट लेते हैं तो वेंटिलेशन होगी दो साइड से एक्सेस होगा दो गेट्स बन सकते हैं दो अगर लाइट से फ्लोर बनाते हैं ग्राउंड प्लस वन बनाते हैं तो दोनों फ्लोर सेपरेटली रेंट आउट हो सकते हैं तो ये उनकी प्रेफ्रेंसेज होते हैं बिकॉज वो वर्किंग करके आए है होते हैं तो आप भी हैं इस सिलेक्शन करते हुए इस चीज़ को लाजमी देखें कि जब भी प्लॉट की सिलेक्शन करें इंश्योर करें कि प्लॉट ऐसा सिलेक्ट करें आपके जो प्लाट आपका कैटेगरी प्लाट हो इस पर कॉम्प्रोमाइज मत करें क्योंकि आपके प्लाट जो स्लैब वन वे स्पेसिफिकली मेम्बर फॉल करते हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो पूरे स्मार्ट सिटी के नक्शे में से जो दिल करे लोकेशन वो चूज़ कर सकते हैं यानी अगर आप कॉर्नर चाहें पार्क फेस चाहें मेन रोड चाहें आपके पास ये चॉइस है तो इस चॉइस को वेस्ट मत करें क्योंकि आप चॉइस को वेस्ट कर देंगे तो आपकी वो दोबारा वो रिवर्स नहीं होगी जो लोकेशन आपको मिल जाएगी वो लोकेशन आपको लेनी पड़ेगी कल को डेवलप होता है नहीं होता वो जैसा प्लॉट रहता है उस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर मत करें आमतौर पर आमतौर तौर लोकेशन के पॉइंट फिर से मैं किसी को रिकमेंड करूँ तो मैं कहता हूँ यार एलिवेटेड पॉइंट पर जाएँ जो एरिया थोड़ा हाइटेड हो कॉर्नर पर जाए कॉर्नर विद एक्स्ट्रा लैंड पे जाए पार्क फेस पे जाएं वो इसलिए मैं नहीं कहता कि यार वो प्लॉट मेरे होते हैं कल को मैंने बाय बाक करना होता है पॉइंट एस कि जब आपने प्लॉट खरीद लिया होता है तो आपका प्लॉट जो होता है वो ऑलरेडी उस पूरे ब्लॉक का टेन परसेंट में से एक ब्लॉक होता है यानी कि एक, एक, एक लट से एक स्ट्रीट है एक स्ट्रीट में बीस प्लॉट है बीस इधर है और बीस इधर है चालीस प्लॉट है उनमें कॉर्नर कितने होंगे चार यानी कि 40 में से आपके चार प्लॉट कॉर्नर हैं तो टेक्निकली आप उस 10 परसेंट लोगों में फॉल करेंगे जिन लोगों के पास सबसे बेस्ट लोकेशन होगी कैपिटल स्मार्ट सिटी की कंस्ट्रक्शन करने बात बाद में आती है कंस्ट्रक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मत सोचें कि कल को आपने कंस्ट्रक्शन करनी है वो जो पैसा आपने कैटेगरी में बचाना है वो आप कंस्ट्रक्शन में स्पेंड करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता मैंने जिक्र किया पहले वीडियो में कि नाइन्टी परसेंट लोग वो प्रॉपर्टी कल को बेचते हैं अपने हालात की वजह से हर बंदा वो प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं करता तो आप ऐसी प्रॉपर्टी लाजमी सेलेक्ट करें कि जिस प्रॉपर्टी का आपको मार्केट में हर वक्त चलता फिरता बाहर मिल रहा हो जिस प्रॉपर्टी का हर बंदा कहता हो कि मुझे ये वाली लोकेशन चाहिए तो उसी लोकेशन की कल को वैल्यू बनती है एक नॉर्मल प्लॉट है मार्केट में लट से जी पचास लाख रुपए का और एक कॉर्नर विद एक्स्ट्रा लैंड ये अच्छा प्लॉट बनता है वो सत्तर लाख भी मांगेगा तो उसका तो तो प्लॉट बेचेगा तो यही बेनिफिट आपको फ्यूचर में जाके बेनिफिट पास होगा अदर देन दैट सिलेक्शन आपको कोई बेनिफिट नहीं है अगर आपने सिलेक्शन में टेन परसेंट में फॉल नहीं करना जो अच्छी लोकेशन ले सकते हैं तो कोई फायदा नहीं सिलेक्शन का बेल्टिंग में आ जाए बेलटिंग में वही प्लॉट आपको मिलना है जनरल प्लॉट्स हैं यानी कि जो या नॉर्मल प्लॉट्स होते हैं तो उसी बेलटिंग में फॉल कर लें तो कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है तो ये उन के लिए क्वेश्चन है जो आमतौर तो पर पूछते हैं कि सिलेक्शन करें तो किस तरह की प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करें एक्स्ट्रा लैंड जाएं या ना जाएं कॉर्नर इस तरह के प्लॉट्स पर जाएं या ना जाएं ये बहुत कॉमन एक मेंबर का सवाल होता है तो मैंने सोचा इस वीडियो में एड्रेस कर दूं बाकी आने वाले दिनों में उसकी मैं डिटेल साइट की अपडेटेड गूगल अर्थ इमेजेस के साथ प्रॉपर मैप पे रख के मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कौन से एरियाज एलिवेटेड हैं कौन से एरिया डिप्रेशन में हैं कौन से पार्क के नज़दीक हैं कौन से एरिया इंटरचेंज के नज़दीक हैं कौन से एरिया खारीमुस रेंज के नज़दीक हैं जितने पॉइंट्स बनते हैं वो वा आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं लाजी एड्रेस करूँगा रिजवान जी मैं को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़